अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने आपकी प्रीवियस क्लास में आपके सबक पढ़ा था, आपकी किताब का सबक आसमानी किताबें पढ़ा था, और उसके बारे में समझा था कि आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं और आसमानी किताबें किसे कहते हैं। बच्चों, आज हम उस सबक की एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 14 पर मौजूद हम ये एक्सरसाइज करेंगे। जी तो बच्चों, जैसा कि इस पर लिखा है कि किस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई, पत्तों में नाम जैसा रंग भरे। जी तो बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी आसमानी किताबें चार हैं, तौरात, जबूर, इंजील, सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है। तो बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ, कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सा कलर है बेटा? ग्रीन कलर है। तो हम कौन सा कलर करेंगे इस पत्ते में? ग्रीन कलर करेंगे। इसी तरह जबूर किस पर नाजिल हुई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में कौन सा कलर है? रेड कलर है। तो हम रेड कलर करेंगे इस लीफ के अंदर। ठीक है बच्चों, तौरात किस पर नाजिल हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। तो हम इसमें पत्ते में कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? इंजील। इसमें कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। तो हम इसमें ऑरेंज कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, और जिस बच्चे के पास किताब मौजूद नहीं है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा अपनी कॉपी पे इसको, वीडियो को देखकर अपनी कॉपी पे इसी तरीके से कॉलम बना के, लीव बना के कलर कर सकता है। ठीक है बच्चों, और जिनके पास किताब मौजूद है तो वो किताब के अंदर कलर कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास किताब मौजूद नहीं है तो वो बच्चे क्या करेंगे कि वो बच्चे अपनी कॉपी पे मम्मा की हेल्प से इसको बनवा लेंगे और इस पर कलर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।